Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 3, fiber to fabric part 2. Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. Where do these fibers come from? Fabrics यानी कि कपड़े किससे मिलकर के बनते हैं? Yarns यानी कि धागे, and yarns are further made up of fibers. Yarns यानी कि धागे किससे मिलकर के बनते हैं? रेशों से, यानी कि fibers. Where do these fibers come from? Now students, here the question is arises where do these fibers come from? आखिर ये जो रेशे हैं ये आते कहाँ से हैं? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. और students, ये जो रेशे होते हैं कुछ कपड़ों के, जैसे कि cotton, jute, silk and wool, आर ऑप्टेंड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स. तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी फाइबर्स हैं कॉटन के यानी कि कपास के, जूट यानी कि जूट के, सिल्क यानी कि रेशम के, एंड वूल यानी कि ऊन के, ये सभी हमें किससे प्राप्त होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों से. These are called natural fibers. और students, इन सभी रेशों को बोला जाता है natural fibers. Cotton and jute are examples of fibers obtained from plants. तो students, cotton and jute are the examples of fibers obtained from plants. Cotton and jute ये क्या हैं? Examples हैं रेशों के जो हमें किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से. While silk and wool fibers are obtained from animals. और students, wool and silk fibers हमें किससे प्राप्त होते हैं? एनिमल्स से, यानी कि जानवरों से. वूल इज़ ऑप्टेंड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गॉट. और स्टूडेंट्स, ये जो ऊन होती है ये हमें किससे प्राप्त होती है? फ्लीस ऑफ शीप और गॉट. शीप और गॉट की जो स्किन्स होती हैं उन पे क्या चढ़े हुए होते हैं? बाल चढ़े हुए होते हैं, जिनको बोला जाता है फ्लीस. तो उनसे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊन. फ्लीस को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है ऊन. इट इज़ ऑल्सो ऑप्टेंड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स. और स्टूडेंट्स, और हमें वूल किस चीज़ से प्राप्त होती है? हेयर ऑफ रैबिट्स, जो खरगोश होते हैं उनके बालों से हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है. याक एंड कैमल्स, और याक एंड कैमल्स से भी हमें क्या प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होती है. सिल्क फाइबर इज़ ड्रोन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. और स्टूडेंट्स, रेशम के जो फाइबर्स होते हैं वो किस चीज़ से निकाले जाते हैं? कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. कोकून को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है कोया. सिल्क वॉर्म को हिंदी में बोला जाता है रेशमी का कीड़ा. तो रेशमी के कीड़े का जो कोया होता है उससे क्या निकलते हैं? सिल्क फाइबर्स, यानी कि रेशम के रेशे. फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स
वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और स्टूडेंट्स, हजारों सालों से जो ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं ये ही केवल उपलब्ध थे कपड़े बनाने के लिए। इन द लास्ट 100 years और सो फैब्रिक्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। और स्टूडेंट्स, पिछले 100 सालों से या उससे पहले से जो फाइबर्स होते थे स्टूडेंट्स, वो किससे बनाए जाते थे? रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते थे। और ऐसे फाइबर्स जो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं एंड विच आर नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज, और वो हमें पौधों और जानवरों से भी प्राप्त नहीं होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक का हिंदी मीनिंग होता है बनावटी, और बनावटी रेशे इनको बोला जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक एंड रेयन। और कुछ एग्जांपल्स होते हैं स्टूडेंट्स इन बनावटी रेशों के, वो हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक एंड रेयन। अब स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे 3.3 के अंदर स्टूडेंट्स क्या है। सम प्लांट फाइबर्स, कुछ ऐसे रेशे जो हमें किन से मिलते हैं? पौधों से मिलते हैं। सबसे पहला फाइबर है इसमें कॉटन। तो कॉटन को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है कपास। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैंप्स? और स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी दिए की बत्ती बनाई है? किसके लिए? मिट्टी के दीपकों के लिए। व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स? और इनको बनाने के लिए आप किस चीज़ का उपयोग करते हैं? आप क्या उपयोग करते हैं इनको बनाने के लिए? दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोस। और स्टूडेंट्स, ये जो कॉटन वूल होती है ये किस लिए उपयोग में ली जाती है? तो स्टूडेंट्स, इसका उपयोग गद्दों को, रजाई को और तकियों को भरने के लिए किया जाता है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। स्टूडेंट्स, कुछ कॉटन वूल आप ले लीजिए, पुल इट अपार्ट, उसको खींचिए एंड लुक एट इट्स एजेस, और उसके किनारों को देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो स्टूडेंट्स, आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या देखा? द क्वेश्चन अराइजेज हेयर। द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। आपने क्या देखा? छोटे और पतले तंतुओं को देखा। दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स, जो कपास के रेशों को बनाने में काम आते हैं, या कपास के रेशे इन्हीं छोटे और पतले तंतुओं से मिलकर के बनते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? और स्टूडेंट्स, ये जो कॉटन वूल है ये आखिर कहाँ से आती है? अब ये क्वेश्चन अराइज होता है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। तो स्टूडेंट्स, ये मैदान में उगाई जाती है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट।
इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो कॉटन प्लांट्स होते हैं ये कहाँ पर उगाए जाते हैं? जहाँ पर काली मिट्टी होती है और जहाँ का तापमान कैसा होता है? गर्म होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? क्या आप स्टूडेंट्स नाम बता सकते हैं कुछ स्टेट्स के? हमारे जो कि हमारे देश में हैं, वेयर कॉटन इज़ ग्रोन, जहाँ पर कपास उगाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, कॉटन इज़ ग्रोन इन पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी एंड तमिलनाडु। तो स्टूडेंट्स, ये जो कपास है ये पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और तमिलनाडु में उगाई जाती है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बोल्स, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। और स्टूडेंट्स, द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, और जो कपास के पौधे के जो फल होते हैं उनको बोला जाता है कॉटन बोल्स, यानी कि कपास के बीज कोश। आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन, और स्टूडेंट्स इनका जो आकार होता है वो बिल्कुल नींबू के समान होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बोल्स बर्स्ट ओपन, और स्टूडेंट्स मैच्योर होने के बाद ये बीज कोश खुल जाते हैं। एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स, और इनके अंदर जो बीज होते हैं वो किससे ढके हुए होते हैं? कॉटन फाइबर्स से, यानी कि कपास के रेशों से। और कैन बी सीन, और इनको इसी तरीके से देखा जा सकता है, देखा जाता है, या फिर स्टूडेंट्स इनको इस तरीके से देखा गया। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? क्या स्टूडेंट्स आपने कभी कोई कपास का मैदान देखा है जो कि तैयार है चुनने के लिए? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो, ये बिल्कुल स्टूडेंट्स ऐसा लगता है जैसे कि कोई मैदान किससे ढका हुआ हो? बर्फ से ढका हुआ हो। ओके, तो फिगर 33.6 में स्टूडेंट्स आपको क्या दिया गया है? फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स। फील्ड का मतलब है मैदान जहाँ पर क्या उगाए गए हैं? कॉटन प्लांट्स, कपास के पौधे। और ये बिल्कुल देखने में स्टूडेंट्स ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मैदान किससे ढका हुआ हो? बर्फ से ढका हुआ हो। फ्रॉम दीज बोल्स को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है बीज कोश, कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। तो स्टूडेंट्स, ये जो कपास है ये किस चीज़ से चुनी जाती है? अपने हाथों से चुनी जाती है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग, और स्टूडेंट्स इसके बाद क्या होता है, जो रेशे होते हैं उनको अलग कर लिया जाता इनको अलग कर लिया जाता था किससे? बीजों से, बाई कॉम्बिंग। इनको कंघी करके रेशों को अलग कर लिया जाता था। ओके, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, और स्टूडेंट्स इसी प्रोसेस को बोला जाता है
गिनिंग ऑफ कॉटन यानी कि रुई ओटना। गिनिंग को स्टूडेंट्स हिंदी में बोलते हैं रुई ओटना। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड, और स्टूडेंट्स जो रुई ओटना था वो हाथों से किया जाता था पहले। दीज डेज, इस समय स्टूडेंट्स मशीन्स आ गई हैं। रुई ओटने के लिए भी अब क्या आ गई हैं स्टूडेंट्स, इन दिनों में मशीन्स आ गई हैं। ओके, 3.7 में क्या दे दिया है स्टूडेंट्स, गिनिंग ऑफ कॉटन। कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक आदमी बैठा है और वो क्या कर रहा है, कॉम्बिंग कर रहा है, कंघी मार रहा है इन कॉटन बोल्स में, और इसके थ्रू वो क्या कर रहा है, फाइबर्स को एक जगह पे सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द सीड्स। ओके, कॉटन के जो सीड्स हैं उनसे फाइबर्स को अलग कर रहा है, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गिनिंग ऑफ कॉटन यानी कि रुई ओटना। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम जूट पे। जूट फाइबर इज ऑब्टेंड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो स्टूडेंट्स जूट का रेशा होता है वो किस चीज़ से प्राप्त होता है, फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट प्लांट का तना होता है उससे हमें जूट फाइबर प्राप्त होता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और इसकी खेती बारिश के मौसम में होती है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। और इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स जूट जो है वो उगाया जाता है वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम में। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लोरिंग स्टेज। और स्टूडेंट्स जो ये जूट का पौधा होता है ये नॉर्मली काटा जाता है व्हेन इट इज़ एट द फ्लोरिंग स्टेज। जब इस पे फूल आने वाले होते हैं तभी इसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। और जो इसके तने होते हैं उनको काटने के बाद इनको पानी में डुबो दिया जाता है फॉर अ फ्यू डेज, कुछ समय के लिए। द स्टेम्स रॉट एंड द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड। और स्टूडेंट्स इसी तरीके से जो इनका जो तना होता है वो सड़ने लगता है, और उसमें से जो रेशे होते हैं वो अलग कर लिए जाते हैं बाई हैंड, हाथों के द्वारा। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इंटू यार्न्स। हाउ इज़ इट डन। तो स्टूडेंट्स कपड़े बनाने के लिए इन सभी रेशों को पहले किस चीज़ में बदल दिया जाता है, यार्न्स में यानी कि धागों में। अब ये धागों में किस तरीके से बदल दिया जाता है वो हम पढ़ेंगे। हाउ इज़ इट डन, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हेयर, लेट्स डिस्कस इन नेक्स्ट पॉइंट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 3.4, स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप स्टूडेंट्स खुद से भी ट्राई कर सकते हो रुई का धागा अपने आप बना सकते हो। ओके, एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। आप कुछ कॉटन वूल जो है उसको अपने हाथ में रखिए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब। और स्टूडेंट्स कुछ कॉटन आप
अपने अंगूठों के बीच में रखिए एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड, और कुछ जो कॉटन बचेगी उसको जो पहली वाली उंगली है दूसरे हाथ की उसके बीच में रखना है। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। अब स्टूडेंट्स बहुत धीरे धीरे से इस कपास को खींचना शुरू करिए वाइल कंटिन्यूअसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स, और लगातार स्टूडेंट्स इन रेशों को मोड़ना शुरू करिए जैसे कि फिगर 3.9 में भी करते हुए दिखाया गया है। आर यू एबल टू मेक अ यार्न, क्या आप धागा बना पाए? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हेयर। फिगर 3.9 में स्टूडेंट्स ये फिगर दी गई है मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन, कि कपास से आप धागा कैसे बना सकते हो। तो इसमें स्टूडेंट्स दो हाथ दिए गए हैं और उसके बीच में इसने इसी कॉटन को धीरे धीरे इसने जेंटली क्या करना शुरू करा, खींचना शुरू करा, और खींचने के साथ ही स्टूडेंट्स इसको लगातार मोड़ना भी शुरू करा इसके रेशों को, कॉटन के रेशों को। तो उससे इसने क्या बना दिया, धागा बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस फिगर में बड़े आराम से देख सकते हो कि हाउ यू कैन मेक यार्न फ्रॉम कॉटन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, और स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को जिसमें हम रेशों से क्या बना देते हैं, धागा बना देते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग। तो स्पिनिंग को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है कताई, और इंग्लिश में बोला जाता है क्रिएटिंग थ्रेड। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रोन आउट एंड ट्विस्टेड, और स्टूडेंट्स इस प्रोसेस के अंदर फाइबर्स यानी कि रेशे फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल, जो कॉटन वूल है वो बहुत सारी मात्रा में हमने ले ली है, और रेशों को हमने क्या करा, निकाल लिया है और उनको मोड़ दिया है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, और जब हमने इन फाइबर्स को एक साथ मिला दिया है तो हमें क्या मिल गया है, हमारा क्या बन गया है, धागा बन गया है। ओके, अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल, और स्टूडेंट्स एक सिंपल डिवाइस उपयोग में ली जाती है किसके लिए, धागा बनाने के लिए, स्पिनिंग के लिए, इज अ हैंड स्पिंडल जो कि हाथों से ही चलता है, ऑल्सो कॉल्ड टकली। और टकली क्या है स्टूडेंट्स, एक हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है, ये हाथों से ही चला ली जाती है, और इससे क्या बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। अनदर हैंड फिगर 3.10 में स्टूडेंट्स क्या दिखाया गया है आपको, एक हैंड ऑपरेटेड डिवाइस जिसका नाम है टकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा, और
अनदर हैंड यानी कि दूसरे हाथ पे दूसरी तरफ क्या दी गई है, एक और हैंड ऑपरेटेड डिवाइस दी गई है जो कि धागा, जो कि उपयोग की जाती है धागा बनाने के लिए, और उसको बोला जाता है चरखा। यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाई महात्मा गांधी। और स्टूडेंट्स, चरखे का जो उपयोग किया जाता था वो किसके द्वारा लोकप्रिय किया गया? बाई महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के द्वारा इसको लोकप्रिय किया गया एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, आज़ादी के समय। ही एनकरेज्ड पीपल टू वियर, और स्टूडेंट्स इन्होंने ही लोगों को प्रोत्साहित किया था टू वियर क्लोथ्स, कपड़े पहनने के लिए, जो कि किससे, किसके द्वारा बने हुए थे? होम स्पन यार्न, जो कि घर के धागे से बने हुए थे, टर्म्ड एज खादी एंड शन। इनको क्या बोला गया? खादी एंड शन, इम्पोर्टेड क्लोथ, ऐसे कपड़े जो हम कहाँ से मंगाते हैं, किसी और देश से मंगाते हैं, मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। और ये कहाँ पे बनाए जाते थे? ये बनाए जाते थे ब्रिटेन के अंदर जो मिल्स थीं उनके अंदर। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। तो स्टूडेंट्स, इसको लोकप्रिय बनाने और इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे बात चल रही है स्टूडेंट्स खादी की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड, तो इंडियन गवर्नमेंट ने, जो भारत की सरकार है, उसने क्या गठित किया? एक बॉडी को गठित किया जिसको बोला गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ आयोग के नाम से इसको बोला गया। कमीशन को आयोग बोला जाता है स्टूडेंट्स हिंदी में। इन 1956 की बात हैं स्टूडेंट्स। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। और स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी मात्रा में धागे बनाए गए विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स, स्पिनिंग मशीन्स की मदद से ये जो धागे हैं ये बड़ी मात्रा में बनाए गए। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और स्टूडेंट्स, धागे स्पिनिंग के बाद जो धागे थे उनको किस चीज़ में, उनका किस चीज़ में उपयोग किया गया? उनका उपयोग किया गया कपड़े बनाने में। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके, थैंक्स, गुड लक। इफ़ एनी डाउट्स देन प्लीज़ आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।